नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है। आपको रूबरू करवाएंगे आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। और अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, यूपी में कोरोना लॉकडाउन 2 दिन और बढ़ा। अब गुरुवार सुबह तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। जी हां, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। मंगलवार सुबह तक जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू था उसे बढ़ाकर गुरुवार सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान पहले की तरह ही जरूरी सेवाओं की छूट रहेगी। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लगाया गया आंशिक कोरोना कर्फ्यू 6 मई को सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। यूपी में कोरोना संक्रमण के करीब 31,000 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि यूपी में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहा है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले 30,000 के पार आए हैं। रविवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 30,983 नए मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि बीते 24 घंटों में संक्रमण के कारण 290 लोगों की मौत भी हुई है। राहत की बात रही कि इस दौरान 36,650 इस बीमारी से ठीक हो गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या अभी 13,13,361 हो गई है। इसके अलावा 10,04,447 लोग इससे ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 2,95,752 हो गई है। वहीं मृतकों का आंकड़ा लगभग 13,162 पर पहुंच गया है। और चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के दूसरे बड़े खबरों में। जी हां, पंचायत चुनाव का रिजल्ट के बारे में बात करें तो पार्टी समर्थित प्रत्याशियों पर भारी पड़ रहे बागी और निर्दलीय पार्टी। जी हां, उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती लगातार आज दूसरे दिन भी जारी है। प्रदेश के 75 जिलों में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य की सीटों पर 4 चरणों में चुनाव हुए थे। जिला पंचायत चुनाव के नतीजों पर हर किसी की नजर की हुई है, क्योंकि इसमें राजनीतिक पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। आपको बता दें कि इस बार रिजल्ट के बाद विजय जुलूस पर पूर्णतः प्रतिबंध है। जी हां, मतगणना के दौरान सख्त कर्फ्यू है, लेकिन इसका पालन सख्ती से नहीं किया जा रहा है, जिसके लोगों ने पूरी तरह से धज्जियां उड़ा रखी है। यह कर्फ्यू मंगलवार सुबह तक था, जिसे बढ़ाकर 6 तारीख यानी कि गुरुवार तक कर दिया गया है। वहीं बात करें कुछ जिलों के रिजल्ट के बारे में तो पीलीभीत में 545 ग्राम प्रधान, 272 बीडीसी के पद के घोषित हो चुके हैं। पीलीभीत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। अभी तक 545 ग्राम प्रधान और 272 बीडीसी मेंबर घोषित हो चुके हैं। इनके प्रमाण पत्र भी दिए जा चुके हैं। जिला पंचायत ही कई सीट भाजपा के खेमे में जाती दिख रही है, हालांकि अभी मतगणना जारी है। वहीं हापुड़ में मुर्शद पूर्व गांव में विजय जुलूस निकालने पर मारपीट हो गया है। जी हां, जहां एक जीतने के बाद विजय जुलूस मनाया गया, वहीं हारे हुए प्रत्याशी और जीते हुए प्रत्याशी के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 15 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने और प्रतिबंध के बाद भी विजय जुलूस निकालने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं हापुड़ में ही आजादी के बाद पहली बार एक घर से बाहर निकली प्रधानी। जी हां, हापुड़ के ढाना गांव में आजादी के बाद पहली बार गांव की सरकार एक परिवार से बाहर निकल कर गई। निर्वाचित प्रधान अंशु पत्नी विपिन सिंधु प्रधान निर्वाचित हुई है, जिसको बधाई मिल रही है। गांव ढाना में प्रधान चुनकर जीतकर इतिहास रच दिया गया है। जी हां, वहीं उरई में बागी बने मुसीबत, बसपा ने जीती 7 प्रत्याशी। जी हां, उरई की 25 जिला पंचायत सीटों में से 6 पर निर्दलियों ने जीत हासिल की है। इसमें अधिकतर भाजपा और दूसरी पार्टियों के बागी हैं। बसपा 7 सीटें लेकर सबसे आगे रही, जबकि भाजपा को 6 सीटों पर जीत मिली है। वहीं हापुड़ के ही वार्ड नंबर 1 में बसपा प्रत्याशी ने लहराया परचम। जी हां, हापुड़ जिले में वार्ड नंबर 1 में बसपा के रविंद्र बिल्लू ने भाजपा के डॉक्टर मगन 4221 मतों से मात देकर अपना परचम लहरा दिया है। वहीं बात करें बदायूं मतगणना की तो 714 ग्राम प्रधान
और 850 BDC घोषित हो चुके हैं। जी हां, इनके प्रमाण पत्र भी दिए जा चुके हैं। वहीं बात करें रायबरेली जिला पंचायत में सपा का दबदबा रहा, यानी कि समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। जी हां, अब तक 20 वार्ड के नतीजे वह रायबरेली में घोषित हो चुके हैं, जिसमें शिवगढ़ से निर्दलीय विनय वर्मा जीते हैं, लालगंज से निर्दलीय आशीष यादव जीते हैं, महाराजगंज से सपा के विक्रांत अकेला जीते हैं, खीरो से निर्दलीय यदुवेंद्र प्रताप सिंह विजयी हुए हैं, वहीं डलमऊ के साथ कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र यादव जीते हैं, वहीं हरचंदपुर से सपा उम्मीदवार शिवदेवी जीते हैं, राही से सपा प्रत्याशी उदय यादव विजयी हुए हैं, राही से सपा प्रत्याशी उदय यादव जीते हैं। वहीं आपको बता दें कि हरचंद पूर से निर्दलीय उम्मीदवार राम कुमार कोरी जीते हैं। इसी प्रकार आमुआ से आरती सिंह, सताव से निर्दलीय प्रत्याशी शीतला नाव, रोहनिया से कंचन सरोज जीती, डी से बीजेपी प्रत्याशी शेर बहादुर सेरा, डलमऊ से कांग्रेस के अशोक यादव, ऊंचाहार से निर्दलीय शैलेंद्र गुप्ता, रोहनिया से निर्दलीय प्रत्याशी रंजना चौधरी, दीन सा गोरा से कांग्रेस की महिला उम्मीदवार अनिता जीती है। वहीं दीन सा गोरा से आपको बता दें कांग्रेस प्रत्याशी संतोष सिंह जीती है। सलोन से अपना दल की किरण रावत जीती है, सलोन से अयोध्या प्रसाद जीते हैं, वहीं जगतपुर के कांग्रेस प्रत्याशी राकेश सिंह राणा भी जीते हैं। वहीं बात करें सहारनपुर जीत का जश्न मनाने वाले प्रधान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। जी हां, जीत का जश्न मना रहे प्रधान के विरुद्ध पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने प्रधान सहित समर्थकों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, वहीं गिरफ्तारी को लेकर दबिश दी गई है। वहीं बात करें मैनपुरी जिले की तो कुरावली के 3 वार्डों पर भाजपा प्रत्याशियों की करारी हार हुई है। जी हां, जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए हुए चुनाव में भाजपा को कुरावली ब्लॉक में करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस ब्लॉक के जीप सदस्य 3 पद थे, तीनों ही पदों पर भाजपा प्रत्याशी चुनाव हार गए हैं। वहीं फतेहपुर की बात करें तो 38% प्रधान व 64% BDC के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें जिला पंचायत सदस्य का एक भी परिणाम घोषित नहीं हुआ है। भाजपा 7, सपा 5 और बसपा 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं बात करें अयोध्या जिले की तो जिला पंचायत की 40 सीटों पर मतगणना के रुझान आ गए हैं, वहीं 12 सीटों पर निर्दल व बसपा आगे चल रहे हैं, 6 सीटों पर भाजपा चल रहे हैं, वहीं जनपद के जिला पंचायत सदस्य के कुल 40 पद हैं। जी हां, बता दें हरदोई में 50% भी नहीं हुई थी मतगणना, जिसमें 19 विकास खंडों में चल रही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना की रफ्तार बेहद धीमी है। 24 घंटे बीतने के बाद भी 50% मतगणना पूरी नहीं हो सकी है। जी हां, वहीं बता दें उन्नाव में 28 घंटे बाद भी 117 गांव की ही मतगणना हुई है, अभी तक मतगणना जारी है। जी हां, मैनपुरी में कांग्रेस का खुला खाता। जी हां, पूरे प्रदेश में जनाधार की तलाश कर रही कांग्रेस के मैनपुरी में लंबे समय बाद जीत का स्वाद चखा है। जी हां, वहीं बात करें अलीगढ़ में अखिलेश यादव की रिश्तेदार की जीत लगभग तय हो चुकी है। जी हां, सपा मुखिया व पूर्व CM अखिलेश यादव के रिश्तेदार अर्चना यादव की अलीगढ़ वार्ड नंबर 43 से जीत लगभग तय हो चुकी है। वहीं बात करें बुलंदशहर में भाजपा के 10 प्रत्याशी जीते हैं, वहीं जिला पंचायत के लिए भाजपा रलोद और बसपा में कांटे की टक्कर है। जिला पंचायत वार्डों के रुझानों से भाजपा खेमे में उत्साह है, तो पहले दिन 176 ग्राम प्रधानों को जीत मिली थी। जी हां, मतगणना के पहले दिन रविवार को कुल 176 ग्राम पंचायतों के मुखिया तय हो चुके हैं। इनमें चिन्हट के 10, विकेटी के 19, मॉल के 37, मलिहाबाद के 20, काकोरी के 15, सरोजनी नगर के 11, मोहनलालगंज के 32, गोसाईगंज के 32 ग्राम पंचायतों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इसके अलावा 1399 ग्राम पंचायत सदस्यों और 118 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। और एक बार फिर आपको याद दिला दें, यह पेंडेमिक दौर है तो घर से बाहर ना निकलें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करते रहें। धन्यवाद।